इमरान खान हमला केस के मुलजिम के रिमांड में 14 रोज की तौसी। साबिक गवर्नर पंजाब मुशीर दाखला उमर सरफराज चीमा ने मजीद मुलजिम नवीद को कत्ल करने का खदशा जाहिर कर दिया। नई GIT की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त, लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार को मजीद दस्तावेजात पेश करने की हिदायत कर दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि दूसरी GIT बनाना एक साजिश है, तफ्तीशी अफसर का रिकॉर्ड ना दिया गया तो फिर अदालत अपना हुक्म देगी। इमरान खान हमला केस की बजरिया वीडियो लिंक समाप्त। गुजरावाला की अदालत में नवीद समेत 4 मुलजिमान की बजरिया वीडियो लिंक पेशी। अदालत ने इमरान खान हमला केस के मुलजिम के रिमांड में 14 रोज की तौसी कर दी। साबिक गवर्नर पंजाब मुशीर दाखला उमर सरफराज चीमा ने मुलजिम नवीद को कत्ल करने का खदशा जाहिर कर दिया। बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा, नवीद को जाए वक़ा पर भी कत्ल करने की कोशिश की गई। इमरान खान पर कातलाना हमले की तहकीकात के लिए नई JIT की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने दरख्वास्त गुजार को मजीद दस्तावेजात लिफ्ट करने की हिदायत कर दी। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि दूसरी JIT बनाना एक साजिश है, तफ्तीशी अफसर का रिकॉर्ड ना दिया गया तो फिर अदालत अपना हुक्म देगी। JIT को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है और हम चाहते हैं कि JIT की अबव बोर्ड इन्वेस्टिगेशन हो। यास्मीन राशिद ने कहा कि हुकूमत झूठ का सहारा लेकर तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर दहशतगर्दी में इजाफे का इल्जाम लगा रही है। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क्यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानहे पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।